हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में आपके लिए ये बहुत ही प्यारी सी फुल बाजू की जैकेट लेके आए हैं, जो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। आई होप आपको भी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी बनाई हुई ये जैकेट आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स देखिए, इसको हमने फुल बाजू में बनाया है। देखिए, इसकी हमने स्लीव्स भी फुल बनाई है और इसमें हमने जो डिज़ाइन डाला है वो भी बहुत ही प्यारा है और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। देखिए, इसमें हमने ये बटन पट्टी भी बनाई है। आप चाहे तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हमने बटन पट्टी बनाई है। और देखिए, इसमें जो हमने ये नीचे बॉर्डर बनाया है, इसकी किनार भी हमने अच्छे से बनाई है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। फ्रेंड्स, इसको हमने दो पार्टों में, तीन पार्ट में डिवाइड करा है। पार्ट वन में हमने इसमें डिज़ाइन डालना और इसका गला बनाना बताया है। पार्ट टू में पीछे का बनाना और बटन पट्टी, गला और बॉर्डर बनाना बताया है। पार्ट थ्री में हमने इसमें बाजू बनाना बताई है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जब ही आप समझ पाएंगे कि ये हमें किस तरह से बनानी है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमने आपको इस वीडियो में बताई है। ये हमने 32 से 34 साइज़ के लिए बनाया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो भी हमने इस वीडियो में ही बताया है कि इससे बड़ा साइज़ आप किस तरह से बना सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके समझ आएगा कि इसको से बड़ा साइज़ बनाने के लिए हमें कितनी चैन और एक्स्ट्रा इसमें लेनी है और उसमें कितने डिज़ाइन एक्स्ट्रा बनाने हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा ये बना हुआ जैकेट आपको कैसा लगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस जैकेट को बनाने के लिए हमने 12 नंबर की क्रोशिया हुक का इस्तेमाल करा है। और अब हम पहले एक नॉट लगाएंगे और फिर 211 चैने बनाएंगे। ज़्यादा टाइट चैने नहीं बनानी है और ज़्यादा ढीली भी नहीं बनानी है। तो इस तरह से बनाते हुए हम 211 चैने काउंट करेंगे। देखिए, इसमें ऐसे 211 चैने हम काउंट कर लेते हैं पहले, फिर आगे दिखाते हैं। अब हमने इसमें 211 चैने बना ली हैं। आपको हमने, देखिए, हमने इसमें 12 नंबर का क्रोशिया हुक इस्तेमाल करा है और 2 प्लाई की हमारी ये ऊन है। अब हमने 211 चैने बना ली हैं। अब एक चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट वाली चैन में जहाँ पे हमारी 211 चैने हो रही थी उस वाली चैन में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम क्रोशिया में बल लेंगे और 1 2 3 4 चैन स्किप करेंगे और 5वीं चैन में डाल के, देखिए इस तरह से एक ही चैन में हमें 9 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए, 2 3 4 5, देखिए इस तरह से 5 हो गई हमारी। छः, 7, 8, ये लास्ट में 9। देखिए इस तरह से ही हमने 9 बार डबल क्रोशिया बना ली हमने। अब देखिए, यहाँ पे हम फिर 5 चैने छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 4 चैने बीच में छोड़ेंगे और 5वीं चैन में इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा एक पैटर्न बनकर रेडी हो जाएगा। अब देखिए, क्रोशिया पे बल लेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5,
चार बीच में छोड़ेंगे, पांचवी में डाल के फिर हमें 9 बार सिंगल क्रोशिया बना, डबल क्रोशिया बनानी है। इसमें एक ही स्पेस में हमें 9 बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक दो तीन चार पाँच, छः, सात, आठ और ये लास्ट में 9। तो देखिए इस तरह से हमारे पैटर्न बनके तैयार होंगे। अब हम यहाँ पे चार चैने छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, चार चैने बीच में छोड़ेंगे और पांचवी में इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे पैटर्न बनके तैयार होंगे। चार हमें बीच में छोड़ने हैं, पांचवी में स्टिच करनी है, फिर हमें चार बीच में छोड़ के पांचवी वाली में 9 बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर चार बीच में छोड़ेंगे, पांचवी वाली में सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो सेम प्रोसेस से हमें इसमें इस रो को पूरी इसी तरह ही कंप्लीट करना है। अब देखिए एक दो तीन चार, चार हमने बीच में छोड़े और पांचवी वाली में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया जो बनाएंगे बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच हो गए हमारी, छः, सात, आठ और ये 9। देखिए इस तरह से हमने बनाया, इसे तीन पैटर्न हमारे रेडी हो गए हैं। अब चार चैने छोड़ेंगे बीच में, एक दो तीन चार छोड़ेंगे बीच में और पांचवी में इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। तो सेम प्रोसेस से हमें इसको इसी तरह बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो चलिए पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये पूरी रो बनके रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से हमने सारे डिज़ाइन बना लिए हैं और लास्ट में अब हम आ गए हैं। तो देखिए लास्ट में अभी हमने इसे ज्वाइंट नहीं करा है। देखिए लास्ट में अब नारे बनाने के बाद एक दो तीन चार, सॉरी एक दो तीन चार और ये पांचवी चैन में हम इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह देखिए इस तरह ज्वाइंट कर देंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया हमारी इस जगह पे आ गई और एक सिंगल क्रोशिया हमारी शुरू में आई थी। अब हमें यहाँ पे दूसरे रंग का ऊन ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पे हम दूसरे रंग का ऊन ज्वाइंट करेंगे। ऊन ज्वाइंट करने के लिए दूसरे कलर को इस तरह से पकड़ेंगे और जो ये हमारा ये धागा है एक चैन बनाएंगे और इसे ये जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है देखिए ये वाली इस तरह से इसमें ऐड कर लेंगे इसे। देखिए इस तरह से हमने ऐड कर लिया और दोनों धागे अच्छी तरह हम खींच देंगे। अब जो हमने ये ऐड करा है एक चैन हम इसे काउंट करेंगे और दो चैने और बनाएंगे। देखिए दो चैने हो गई, एक ये हमने ऐड करी भी इसमें काउंट करी है तो हमारी ये 3 हो गई। अब दो चैने एक्स्ट्रा और बनाएंगे हम। देखिए दो चैने हमने एक्स्ट्रा बनाई हैं, दो चैने एक्स्ट्रा बनाने के बाद हम क्रोशिया पे बल लेंगे और सेम इसी जगह डाल के हम एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे वी स्टिच बन गया है। 3 तो चैने हमने डबल क्रोशिया के नाप के लिए और 2 हमने वी स्टिच की। अब हम यहाँ पे 5 चैने बनाएंगे, 3 4 5 चैने बनाने के बाद
देखिए क्रोशिया पे बल लेंगे। और देखिए जिस जगह से ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी उस जगह पे हम ज़्यादा बड़ी नहीं मीडियम साइज़ में ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर दो चैने बनाएंगे और फिर इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, डबल क्रोशिया और बनाएंगे सॉरी। तो एक ही हमारी वी स्टिच यहाँ पे बन जाएगी। अब पांच चैने लेंगे हम, दो तीन चार पांच, पांच चैने लेने के बाद क्रोशिया पे बल लेंगे और जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया का वाला फंदा है इसमें बीच में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दो चैने, फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया और, देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न बनता हुआ आएगा। तो देखिए पांच चैने लेंगे हम, एक दो तीन चार पांच, पांच चैने लेंगे क्रोशिया पे बल लेंगे और दोनों डिज़ाइन के बीच में जो हमने ये जॉइंट लगाया था इसमें पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर दो चैने बनाएंगे, फिर सेम जगह पे डाल के एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारा ये डिज़ाइन बन के आएगा। सीधी तरफ से देखेंगे ठीक, कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के आएगा। तो सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करते हुए जाना है। पहले पांच चैने बनाएंगे, क्रोशिया पे बल लेंगे और डिज़ाइन के बीच में जहाँ पे हमने डिज़ाइन को ज्वाइंट करा था उस वाली चैन में हमें पहले एक डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है हमें। देखिए दो चैने लेंगे और सेम जगह पे डाल के एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को आप इसी तरह इस रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए इस तरह से हमारा, सीधी तरफ से देखेंगे तो इस तरह से हमारा बनता हुआ आएगा डिज़ाइन। तो इस प्रोसेस को हमें पूरी रॉ इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हमने ये पूरी रॉ कंप्लीट कर ली है। रॉ कंप्लीट करने के बाद देखिए लास्ट में जो हमने शुरू में जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, देखिए इसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर दो चैने लेंगे, फिर इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब एक ही लास्ट में हमारा वी शेप का डिज़ाइन आया है, बनाया है हमने। और देखिए एक हमने शुरू में भी वी स्टिच बनाई थी, देखिए यहाँ पे शुरू में भी वी स्टिच बनाई थी और एक लास्ट में बनाई है हमने। फ्रेंड्स देखिए अब हमने इसमें जितने भी डिज़ाइन तैयार किए हैं देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारे टोटल 21 डिज़ाइन बनके रेडी हुए हैं। देखिए 21 डिज़ाइन बनाने के बाद देखिए यहाँ लास्ट में भी हमने एक वी स्टिच बनाया है। देखिए अब यहाँ पे हम तीन चैने बनाएंगे, एक दो तीन। देखिए यहाँ पे अब हमें हाफ पैटर्न बनाना है। देखिए शुरू में हमने फुल बनाए थे, अब हम यहाँ पे एक हाफ पैटर्न बनाएंगे। तो हाफ पैटर्न बनाने के लिए तीन चैने बनाएंगे और लूप में डालेंगे और इसमें चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसमें हमने तीन बनाई लेकिन आपको चार बनाना है। देखिए चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम, और फिर इसको हम देखिए चार इधर से डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, चार इधर से। देखिए इस वाले पैटर्न में टोटल हमने नौ बार डबल क्रोशिया बनाई है, तो चार हमें इधर से छोड़ना है और चार इधर से। तो जो ये पाँचवीं वाली डबल क्रोशिया है इसकी चैन जो है इसमें हमें इसे ज्वाइंट करना है। देखिए फ्रेंड्स इसमें ज्वाइंट करने के बाद देखिए इसमें हम सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया से हमने ज्वाइंट करा, अब देखिए हम क्रोशिया पे बल लेंगे और नेक्स्ट वाले लूप में नौ बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए इसमें भी हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स अगर आप इससे थोड़ा बड़ा डिज़ाइन बना रहे हैं, अगर आपको 36 साइज बनाना है तो आप इसमें 9 × 18 चैने और बढ़ा लें तो आपका 36 साइज आराम से बढ़ जाएगा। और उसके लिए आपको मुड्ढा और गला कहाँ से घटाना है वो हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें जब भी आप इसको समझ पाएंगे। तो देखिए 9 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट वाले में, देखिए नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में जाएंगे और इसकी भी 5वीं वाली डबल क्रोशिया की जो चैन है उसमें जॉइंट करेंगे। 4 डबल क्रोशिया इधर से छोड़नी है, 4 डबल क्रोशिया की जो चैन है तो इसमें जॉइंट करेंगे 4, और ये 5वीं वाली चैन में तो इस डिज़ाइन को हमें इसी तरह डालेंगे और इस वाली रो को इसी तरह बना के और कंप्लीट करना है। देखिए जॉइंट तरह से हमारे पैटर्न बनते जा रहे हैं, ऊपर तक जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वाले में भी बनाएंगे इसी तरह से, देखिए नेक्स्ट में भी डालेंगे और 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 9 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो सेकंड वाले पैटर्न की 5वीं वाली डबल क्रोशिया की जो चैन है उसमें हम इसे जॉइंट करेंगे। 4 5 फ्रेंड्स जब आप एक बार इसे बनाना चालू करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। 7 8 9 देखिए 9 बार बनाने के बाद फिर हम इसे 5वीं वाली डबल क्रोशिया की चैन पे जॉइंट करेंगे। देखिए 4 इधर से छोड़ना डबल क्रोशिया, 4 इधर से, और ये 5वीं वाली जो डबल क्रोशिया की चैन है इसमें हम दोनों को साथ में मिला के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनना चालू हो जाएगा। तो चलिए इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और 5वीं डबल क्रोशिया जो हम बनाएंगे तो इस थर्ड वाली चैन में बनाएंगे। देखिए इस तरह से थर्ड वाली चैन में बनाएंगे। अब हम यहाँ से ऊन को चेंज करेंगे, तो येलो कलर, देखिए ये नीले कलर का ऊन हमें लगाना है इसमें इस तरह से। देखिए और एक चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस ऊन को आपको थोड़ा ढीला ही रखना है वरना आगे से ये खिंचा हुआ लगेगा। देखिए फ्रेंड्स पहले इस वाले में हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाई और एक चैन बनाई है, लेकिन ये जो हमने शुरू में बनाई थी यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई हैं और एक 3 डबल क्रोशिया और एक चैन बनाई है, तो आपको यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशिया और एक चैन बनानी है। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना ली तो अब हम यहाँ पे 3 चैनें बनाएंगे। जो सिंगल क्रोशिया वाली चैन है इसे भी हम काउंट करेंगे, और देखिए जो हमारा ये यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया करी थी उस जगह पे अब हमें फिर से वी स्टिच बनानी है, 2 चैनें और सेम जगह पे वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया और बनानी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ से हमारा दूसरा डिज़ाइन चालू हो जाएगा। देखिए अब हम 5 चैनें बनाएंगे, 2 3 4 5 5 चैनें बनाने के बाद देखिए इस जगह पे डिज़ाइन के बीच में, देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे और जैसे हमने सेकंड वाले राउंड में वी स्टिच बनाई थी इसी तरह से बनाते हुए अब हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। देखिए ये जो हमने सेकंड वाला हाफ वाइट वाला ऊन जॉइंट करा था जो हमने वी स्टिच बनाई थी तो वो भी हमने रॉन्ग साइड से ही बनाई थी, और इसे भी हमें रॉन्ग साइड से ही बना के इसी तरह से इस रो को भी कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से वी स्टिच बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमने लास्ट में आ गए हम, देखिए लास्ट में आ गए हैं, देखिए 3 चैनें बना ली हैं हमने
तो इसकी थर्ड वाली चैन में हम इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे और एक चैन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। और फिर यहाँ नेक्स्ट वाली चैन में हमें एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हर राउंड में लास्ट में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ऊपर जब स्टार्ट करने के लिए भी हमें एक सिंगल क्रोशिया ज़रूर बना लेनी है। देखिए अब हम इसमें 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 9 बार बनाने के बाद अब हम इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 ये पांचवी चैन में इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए अब हमारा इस तरह से पैटर्न बनना चालू हो गए हैं। एक हमारा हाफ पैटर्न बनेगा और एक हमारा फुल पैटर्न बनेगा। देखिए इस तरह से एक हाफ बनता हुआ जाएगा, एक लाइन में हाफ बनेगा एक और एक लाइन में फुल बनेगा। देखिए अब हम इस लूप में डालेंगे और इसमें भी सेम प्रोसेस से 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये देखिए लास्ट में ये 9। देखिए इस तरह से अभी हमारे पैटर्न बनना चालू हो गए हैं। अब हम इसे इसमें ले जाके जॉइंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और ये पांचवी वाली चैन में। देखिए इस तरह हम इसे ज्वाइन करते हुए इस रो को भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। चलिए इस रो को कंप्लीट करते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं। अब हमारा ये पूरा पैटर्न बनकर रेडी हो गया है और हमने यहाँ पे इसमें इसे स्टिच कर दिया है जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसमें स्टिच कर दिया है। अब देखिए हमें यहाँ से ऊन का कलर चेंज करना है। तो देखिए एक पहले एक इस ऊन को इस ज्वाइन करेंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। देखिए इस वाली जो हमारी ये सिंगल क्रोशिया की बराबर वाली चैन है उसमें एक चैन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से, और इस चैन को हम काउंट करेंगे। तो हमारे पास एक हो गई, 2, 3, 4, 5, 3 तो हमने जैसे इसमें बनाई थी 3 हमने चैन के लिए बनाई थी और 2 हमने वी स्टिच के लिए, और इसी ही जगह पे ये इस तरह से हम वी स्टिच बना देंगे। देखिए इस तरह से जैसे हमारी जो ये रो हमारी चली थी इसी तरह से अब हमें ये वाली रो भी कंप्लीट करनी है। फिर 5 बनाने के बाद अब हम डिज़ाइन के बीच में जो हमारी सिंगल क्रोशिया है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैने बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए अब हम आपको देखिए जो हमारा वर्क है, देखिए पहले हमने इस वाले लूप में ये आधी पत्ती बनाई थी इसी तरह से अब हमें यहाँ पे भी आधी पत्ती बनानी है और इनमें सब में ऐसी 9-9 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। लास्ट में आने के बाद जब हम यहाँ पे आधी पत्ती बनाएंगे वी स्टिच बनाएंगे जब तो उसमें भी हमें आधी पत्ती बनानी है जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाई है इस तरह से हमें यहाँ पे भी बनानी है। तो जैसे हमने इस वाली रो को बनाया है उसी तरह से अब हमारी जो हम ये रो बना रहे हैं इसको बनाना है और उसके बाद में इस वाली रो को भी ऐसी बनाना है। तो एक हमारी आधी पत्ती की बनेगी और एक रो पूरी पत्ती की। इसी तरह से बनाते हुए हम इसे थोड़ा आगे बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाने के बाद फिर आगे आपको दिखाएंगे। आप इस रो को इसी तरह कंप्लीट करें और फिर 9-9 पत्ती बनाते हुए इसे रेडी करके इस वाली रो को भी बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए थोड़ा हम बना लेते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं। हमने इसको ना अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बना लिया है। देखिए ये हमारी
लंबाई बन गई है। इसको हमने लंबाई में देखिए, इसको हम आपको इंची टेप से आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा बनने के बाद 21.5-22 इंच बना है। इसको हमने इतनी ही लंबाई में बनाया है, इसे हमें लंबा बनाना है तो हमने इसे इतनी लंबाई में बनाया है। और इसको हमारे साइज़ को आप 34-32 साइज़ में आराम से ये आएगा, 34-32 साइज़ के इंसान के बराबर आराम से आएगा। ये देखिए बनने के बाद इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हमने इसको जहाँ तक हमें बाजू बनाने थे वहाँ तक हमने इसे बना लिया है। अब हम इसमें आपको बाजू बनाना बताएंगे। तो बाजू में हमें टोटल 5 डिज़ाइन हमें यहाँ तक रखने हैं इसमें, और इसमें से आधे डिज़ाइन अब हमें इसमें कम करना है। तो देखिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब इसमें आप मुड्ढे के फंदे घटाने चालू करें या गले के फंदे घटाने चालू करें तो रॉन्ग साइड से ही इसमें हमें घटाई करनी है, राइट साइड से घटाई नहीं करनी है, इसमें हमें रॉन्ग साइड से ही घटाई करनी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक साइड का लेफ्ट साइड का देखिए बाजू घटा दिया है और इसमें मैंने गला भी घटा दिया है। देखिए ये मैंने इसमें गला राउंड शेप में हमें बनाना है तो इसे मैंने राउंड साइड में इसे मैंने घटाया है। तो देखिए हमने जब इसको हम इस साइड से बिन के ये येलो कलर की लाइन जब हमने इसे कंप्लीट करी तो ये हमारा रॉन्ग साइड में दूसरे कलर का ऊन जब हमने ज्वाइन करा तो हमने रॉन्ग साइड से ही हम ये वी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम जब इसे वी बनाते हुए लाए हैं तो हमने इसे यहाँ आधी पत्ती पे ला के, देखिए ये 5 पत्ती हमारी हो रही थी तो आधी पत्ती पे ला के हमने इसे ज्वाइन करा है। फिर हमने ये फॉर्म कलर की जो ऊन है इसको हमने देखिए 1, 2, 3, 4 और आधी है तो 4.5 पत्ती हमारे यहाँ पे बची हैं। तो इसी तरह से हम इसमें भी घटाएंगे। देखिए हम यहाँ से पहले 1, 2, 3, 4, 5 पे हम ले जाके, और देखिए ये जो हमारी 1, 2, 3, 4 5वीं वाली चैन है इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से हम रॉन्ग साइड से ही इसे घटाना चालू करेंगे। तो यहाँ से हमें इसे घटाना है, तो चलिए यहाँ से हम आपको इसे घटा के बताते हैं। अब हमने यहाँ पे जो हमारी 5वीं डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन से हमने इसे इस तरह से जॉइंट करा। जॉइंट करने के बाद देखिए इसी जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, यानी इसी चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम इस तरह से। अब हम यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया की चैन को काउंट करेंगे तो 1 हो गई 2 और ये 3। देखिए 3 चैनें बनाने के बाद देखिए ये आधी पत्ती हमें घटानी है। मैं आपको यहाँ पे स्लिप यहाँ पे निशान लगा के दिखाती हूँ। इसमें अब हमने जो घटाई करी है तो देखिए इसमें हमारी टोटल 21 रो ये बनी थी। तो 21 रो बनने के बाद जब हम 21 रो को हमने बना के रेडी कर लिया है तो देखिए हमने आगे के लिए इसमें 5 रो रखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 रो आगे के लिए रखी हैं। और देखिए इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 5 रो हमने पीछे के लिए दूसरी साइड के लिए, और पीछे के लिए हमने ये टोटल 11 रो रखी हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 11 रो हमने पीछे के लिए रखी हैं। बीच में हमने 1 रो जो कम करी है आगे और आगे के फ्रंट में, तो वो हम इसमें जो बटन पट्टी बनाएंगे तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो पीछे का पोजीशन बटन पट्टी अगर आप बना रही हैं तो थोड़ा सा आप बड़ा रखें और आगे का छोटा रखें। तो इसी हिसाब से मैंने इसमें देखिए 5 जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं, 5 जो डिज़ाइन हमने आगे के लिए रखे हैं राइट साइड को और 5 ही लेफ्ट साइड में, यानी दोनों दोनों तरफ हमने 5 पर डिज़ाइन रखे हैं। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे देखिए अब हमने यहाँ पे 3 चैनें बना ली हैं। चैन को काउंट करा जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसे काउंट करा तो 2 चैनें और बनाई हमने ऊपर, तो हमारी 3 हो गई हैं। तो अब हम इसे यहाँ पे जिस तरह से बनाते आ रहे थे उस तरह से ही हमें यहाँ पे वी शेप में बनाना है, 2 चैनें लेना है।
और इसी जगह पे बना के इसे इस तरह से बनाना है। फिर पांच चैने लेंगे हम, ये पांच चैने ली हमने और इसमें एक वी शेप में फिर बनाएंगे। देखिए इस तरह से, तो ये पत्ती हमारी जो हमने यहाँ से आधे पर से ज्वाइंट करी है, तो आधे पत्ती हमारी यहाँ से कम हो गई है। अब हम यहाँ पे इसी तरह से सब में वी शेप में बनाएंगे और आधी पत्ती यहाँ पे बनाएंगे, जैसे हम ये बनाते आ रहे हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ पे आगे आपको दिखाते हैं। अब हमने देखिए एक दो तीन और एक ये चार, चार हमने वी शेप के डिज़ाइन बना लिए हैं। अब देखिए अभी हमें गले में घटाई नहीं करनी है, तो हम यहाँ पे जिस तरह जैसे इस तरह से बनाते आ रहे थे, सेम हमें उसी तरह से यहाँ पे भी वी शेप का डिज़ाइन बनाना है। देखिए इस तरह। अब हम यहाँ पे तीन चैने बनाएंगे और जिस तरह से हमने ये बनाया था इसी तरह से देखिए एक दो तीन चार, चार हमने डबल क्रोशिया बनाई और एक चैन को काउंट करा तो पांच हो गई हमारी। अब हम इसमें पांचवी वाली चैन में इस तरह से इसे स्टिच कर देंगे। अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि गला हमें ऊपर से घटाना है। राउंड शेड में हम गला बना रहे हैं तो हमें ऊपर से घटाना है, तो हमें अभी गले की तरफ कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह हम नौ बार डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, नौ बार डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे और नौ बार डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे और नौ बार ही डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम नौ बार डबल क्रोशिया बना के लाते हैं, फिर यहाँ पे आगे आपको दिखाते हैं। अब हमने ये नौ डिज़ाइन यहाँ पे बना लिए हैं लास्ट में। देखिए हमने सब में आधी पत्ती एक दो तीन चार, तो साढ़े चार पत्ती हमारे पास हो गई हैं। देखिए अब हमने जो ये नौ डिज़ाइन नौ बार डबल क्रोशिया बनाई है, अब हम इसे इस वाली सिंगल क्रोशिया में ले जाके इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ से हमने जॉइंट कर दिया। अब हमें यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन ऐड करेंगे। हम कलर का ऊन ऐड करने के बाद एक चैन बनाएंगे और इस तरह से अपने वर्क को टर्न करेंगे और सेम इसी जगह पे एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब हम अगर इसको इस जगह से यहाँ लाके इसे बंद करके फिर हम कर इस जगह से इसे जोड़ेंगे तो हमारी एक पत्ती कम हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे आधी पत्ती कम करनी है। तो अब हम यहाँ से ही इसमें काम करना चालू करेंगे। तो देखिए हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाई, तो इसे हम एक चैन को काउंट करेंगे, दो तीन, तीन बनाए चार, देखिए पांच, पांच चैने बनाने के बाद अब हमें आधी पत्ती इस जगह पे भी बनानी है। तो इसी जगह पे हम एक वी शेप का लूप बनाएंगे। देखिए इस तरह से जब हमने आधी पत्ती यहाँ कम करी है तो उसकी जगह पे आधी पत्ती अब हम इस जगह पे बनाएंगे। अगर हम यहाँ से छोड़ के इस जगह से हम पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमारी एक पत्ती कम होगी, तो हमने आधी पत्ती मुड्ढे पे कम करनी है, तो हम यहाँ पे आधी पत्ती बनाएंगे। तो अब हमारी देखिए एक वी शेप में यहाँ पे बनाया हमने, दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच चैन बनाने के बाद अब हम देखिए इस जगह पे जैसे अब हम डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं उसी तरह से अब हमें पांच पांच चैने बना के वी शेप का डिज़ाइन बनाना है। अभी हमें गले पे कुछ भी काम नहीं करना है। देखिए इस तरह से अब हम इस सब में इसी तरह से वी शेप का डिज़ाइन बनाते हुए जाएंगे और फिर सब में नौ नौ बार डबल क्रोशिया बनाते हुए आके आपको यहाँ पर आके दिखाते हैं। पहले हम वी शेप का डिज़ाइन बनाते हुए जाएंगे, फिर इस तरह से नौ नौ बार डबल क्रोशिया बनाते हुए टर्न करके आएंगे, फिर यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि हमें यहाँ पे किस तरह से बनाना है। हमने एक दो तीन चार, चार हमने डिज़ाइन पूरे कंप्लीट बना लिए हैं। अब हमने यहाँ पे आधी पत्ती कम करनी थी मुड्ढे पे, तो अब जो हमने ये वी शेप का डिज़ाइन बनाया है
तो इसमें हमें आधी पत्ती बनानी है। तो इसमें आधी पत्ती बनाने के लिए देखिए, इसमें अब हम यहाँ से यहाँ जॉइंट करने के बाद देखिए, हम डायरेक्ट एक दो तीन चार, देखिए चार बार डबल क्रोशिया हमने बना ली इसमें। चार बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए, पांचवी डबल क्रोशिया जो है हम इस थर्ड वाली चैन में बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए आधी पत्ती अब हमारी यहाँ से कम हुई, तो आधी पत्ती अब हमारी ये यहाँ पे बन गई। अब हमारा ये जो बाजू का डिज़ाइन चलेगा इसी हिसाब से चलेगा, आधी पत्ती हम इस साइड बनाएंगे। देखिए अब हम आपको यहाँ से दिखा के समझाते हैं। देखिए ये जो हमने इसमें बाजू के फंदे घटाए थे, तो देखिए आधी पत्ती हमने इसमें यहाँ घटा दी, तो आधी पत्ती हम इसकी जगह पे यहाँ पे पूरी बनती है। तो आधी कम करने के बाद में आधी आधी पत्ती हम इस जगह पे बनाते हुए आए हैं, देखिए इस तरह से। तो अब हमारा ये जो ढाल हमारी इस जगह पे हो गई, अब हम ये जो ये मुड्ढा बिनेंगे तो ये सीधा हमारा बिनता हुआ जाएगा। और देखिए हमने जो गले की घटाई करनी चालू करी है, तो यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच रो पूरी करने के बाद छठी रो भी हमने पूरी बिनी है। देखिए एक दो तीन चार पाँच, यानी साढ़े चार पत्ती हमारी यहाँ पे भी छठी रो में भी हमने पूरी बिनी है। देखिए सातवीं रो में हमने आधी पत्ती कम करी है, तो हम छः रो तक इसको इसी तरह बिनेंगे कि हमें गले में कुछ भी नहीं घटाना गले की तरफ, और खाली अब मुड्ढे की तरफ भी हमें कुछ नहीं घटाना। देखिए यह हमारी आधी पत्ती यहाँ बनी है, देखिए इस तरह से आधी पत्ती हमारी यहाँ बनी है। अब हम एक दो तीन चार, चार पत्ती बनाएंगे। अब इस तरह से आधी पत्ती हम इधर बनाएंगे। जब हमारी इधर पूरी पत्ती बनेगी तो जैसे हमारी ये बनती भी आ रही है आधी पत्ती, आधी पत्ती हम इधर बनाएंगे तो भी हमारी साढ़े चार हो जाएंगी। और जब हम इधर पत्ती पूरी बनाएंगे जैसे इस तरह से, तो आधी पत्ती हमारी इधर बनेगी जैसी ये बनी है। देखिए यहाँ हमारी पूरी पत्ती आई है, तो इस साइड में हमारी आधी पत्ती आई है। तो टोटल अभी हमें छः रो तक साढ़े चार ही डिज़ाइन पे काम करना है। देखिए अब हमें यहाँ से दूसरे कलर को ऊन ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से एक चैन बनाएंगे और सेम जगह पे ही हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह। फिर अब हम तीन चैने बनाएंगे। तीन चैने बनाने के बाद इस जगह पे एक दो देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे वी शेप में जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसमें हमारी पूरी पत्ती बनेगी, तो इसी तरह से वी शेप बनाते हुए देखिए एक यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, और आधी पत्ती का हम वी शेप यहाँ बनाएंगे। तो हम इसी तरह से बनाते हुए आएंगे, फिर आगे आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि हमें यहाँ पे पूरी पत्ती बनाने के बाद आधी पत्ती फिर किस तरह से ऐड करनी है। अब हम वी शेप का बनाते हुए गए और उसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाते हुए हम इस साइड में आ गए हैं। तो देखिए अब भी हमारी साढ़े चार ही पत्ती हैं। देखिए अब हमने जो ये आधी पत्ती बनाई थी इसके ऊपर हमें देखिए जो हमने आधी पत्ती बनाई थी अब हम इस पे इसे जॉइंट करेंगे। जिस तरह से हमें जॉइंट करते आ रहे हैं उसी तरह से हम देखिए लास्ट वाली स्टिच पे इस तरह से जॉइंट करेंगे। देखिए हमारी जॉइंट हो गई है। अब हम इसमें दूसरे कलर का ऊन ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से एक चैन बनाएंगे, इस ऊन को अच्छी तरह से खींच के, और इसमें ये सेम जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से, और फिर पांच चैने बनानी है। जिस तरह से हमने यहाँ पे पांच चैने बनाई थी ऐसी ही हमें यहाँ पे भी पांच चैने बनानी है। आधी पत्ती जब भी हमें बनानी होगी तो हम पांच चैने बनाएंगे इस साइड में। देखिए इस तरह से तीन चैने हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई, दो चैने हम बीच में वी शेप में बनाते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह से ही हमें देखिए पांच चैने बना के अब हम फिर इसको इस जगह पे
फिर दो चैने, तो जिस तरह से हमने पूरा डिज़ाइन नीचे से बनाते हुए आ रहे हैं उसी तरह हमें इसे यहाँ पे भी बनाना है। देखिए अब हमारी आधी पत्ती जो हमने यहाँ बनाई है वो आधी पत्ती इधर बनेगी, तो इधर हमारी देखिए पूरी आई है तो पूरी पत्ती बनेगी। जिस तरह से हमने यहाँ बनाया इसी तरह से यहाँ बनाएंगे, और जिस तरह से हमने यहाँ बनाया उस तरह से यहाँ बनाएंगे। तो एक तरफ हमारी इस साइड में आधी पत्ती आएगी और एक तरफ हमारी इस साइड में आधी पत्ती आएगी। जब हम ये फॉर्म कलर के ऊन को बना के आएंगे तो हमारी इस साइड में आधी पत्ती आएगी, और जब हम ये नीले कलर के ऊन से येलो कलर के ऊन से बनाएंगे तो हमारी इस साइड में आधी पत्ती आएगी। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, और इसी तरह से अब हमें इसे सीधा बनाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से आधी पत्ती कम करने के बाद में हमने आधी पत्ती यहाँ पे इंक्रीज करते चले गए, यहाँ पे डिक्रीज करी तो हमने यहाँ पे आधी पत्ती इंक्रीज करना है। इससे हमारी आधी ही पत्ती कम होगी और साढ़े चार पत्ती हमारी ऊपर तक आएंगी। तो आइए अब आप समझ गए होंगे, देखिए आधी पत्ती यहाँ बनाइए आधी यहाँ बनाएंगे। जब हम नीले कलर के धागे से ऊपर बनाएंगे तो आधी पत्ती हमें वहाँ पे ही बनानी है। देखिए आपको हम इस पले को एक बार और दिखाते हैं, दोनों पैटर्न रखिए। देखिए ये पांचवी डिज़ाइन पे हमने आधी पत्ती बनाई, तो आधी पत्ती हमने यहाँ पे भी बनाई, मतलब ये आधी पत्ती हमने कम कर दी। देखिए ये हमने आधी पत्ती यहाँ बनाई है, आधी यहाँ बनाई है, आधी यहाँ बनाई, आधी इस जगह बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये आधी आधी पत्ती इस साइड में बनाते हुए इसे पूरा करना है। तो चलिए हम छह रो तक इसे बनाते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए एक दो तीन और ये चौथी रो चल रही है हमारी, तो हम छह रो तक बनाते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं। इस तरह से देखिए अब हमने ये छह रो कंप्लीट कर ली हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। देखिए हर तरफ हमारी आधी पत्ती घटाई थी तो आधी यहाँ पे हमने बनाते हुए इस तरह से हमने इसे ऐड करा है। अब देखिए नीचे से जिस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में बनता आ रहा है इसी तरह हमारा ये पूरा बनता हुआ आया है। देखिए इस तरह से अब हम इसमें गला घटाना चालू करेंगे। तो आपको हमने बोला है कि जब भी हम घटाई चालू करेंगे इस डिज़ाइन में तो रॉन्ग साइड से ही चालू करेंगे। तो देखिए अब हम इसमें पहले हम मुट्ठी की साइड से बिन लेते हैं, चैन बिनते हैं, वो आपको टर्न करते हैं। देखिए सेम स्पेस पे एक सिंगल क्रोशिया बनाई हमने, अब हम तीन चैने बनाएंगे। तीन चैने बनाने के बाद देखिए तीन चैने बनाने के बाद अब हमें वी स्टिच वाला ही डिज़ाइन बनाते हुए, देखिए वी स्टिच वाला डिज़ाइन बनाते हुए देखिए वी स्टिच वाला डिज़ाइन बनाते हुए हमें यहाँ तक आना है। इस जगह तक हम वी स्टिच वाला डिज़ाइन बनाते हैं, इसमें हमें यहाँ पे कैसे घटाना है वो हम आपको बताते हैं फिर। तो चलिए यहाँ पे भी वी स्टिच बनाएंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और देखिए हमारी रॉन्ग साइड ही है और रॉन्ग साइड से ही हमें इसे घटाई करना है। इसमें राइट साइड से हमें घटाई नहीं करना है, रॉन्ग साइड से ही करना है। मुड्ढों में भी हमने रॉन्ग साइड से ही करी थी और गले में भी जो हम घटाई करेंगे तो रॉन्ग साइड से ही करेंगे। तो चलिए इसमें हम वी स्टिच बनाते हुए डिज़ाइन यहाँ तक लेके आते हैं, फर्स्ट वाले में बीच तक लेके आते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। अब हमने देखिए एक ही डिज़ाइन इसमें बनाया, एक इसमें बनाया, एक इसमें बनाया और एक इसमें बनाया है। अब हमें इसमें आधी पत्ती कम करनी है। अब हम इसमें आधी पत्ती गले में कम करेंगे। देखिए एक दो तीन चार, ये पांचवी वाली जो है, तो पहले हम इसमें तीन चैने बना लेंगे। देखिए तीन चैने बनाने के बाद एक दो तीन चार, और ये पांचवी वाली जो है इसमें ले जाके इसे इस तरह से ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह हमने ऐड कर दी। अब हम एक चैन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह अब हम आपको दूसरी साइड का दिखाते हैं।
उसे भी आप समझ लीजिए। देखिए जब हमने इसमें बनाना चालू करा था, इस वाले डिज़ाइन में लेफ्ट साइड में बनाना चालू करा था, तो हमने ऊन को यहाँ से कट कर दिया था। ऊन को यहाँ से कट करने के बाद रॉन्ग साइड से हमने यहाँ से ऊन ज्वाइंट करा था। तो यहाँ से ऊन ज्वाइंट करने के बाद देखिए यह पत्ती आधी हमारी कम हो गई। इसी तरह देखिए ये पत्ती भी हमारी आधी कम हो गई है। देखिए ये पत्ती हमारी आधी कम हो गई। और देखिए इसमें भी हमने यहाँ से जब ऊन ज्वाइंट करेंगे आप, तो तीन चैने बना के आप वी शेप की एक इस जगह पे बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, और यहाँ पे आप इसे जैसे यहाँ से जोड़ते हुए आ रहे हैं इसी तरह यहाँ जोड़ देंगे। तो लेफ़्ट साइड में बनाने के लिए उल्टे हाथ की तरफ जब आप बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे, यहाँ से ऊन आपको ज्वाइंट करना है। अगर आप यहाँ से ही ऊन इस तरह से करेंगे तो ऊन एडजस्ट करने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप यहाँ से ऊन कट करके आप यहाँ से ही इसे ज्वाइंट करें। जब आप यहाँ से ज्वाइंट करेंगे तो आपको यहाँ से ज्वाइंट करके एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद तीन चैने बना के यहाँ पे वी शेप में बनाना है। फिर हमें सेम प्रोसेस से इसे बनाना है। जब हम इसे बनाते हुए इस साइड से आ जाएंगे, नौ नौ डबल क्रोशिया बनाते हुए आ जाएंगे, तो यहाँ ला के हम इसे ज्वाइंट करेंगे। वो हम जैसे हमने इसे यहाँ से ज्वाइंट करा है, अब हम यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे नौ डबल क्रोशिया बना के जैसे हम यहाँ ज्वाइंट करते हैं इसी तरह आपको इसमें ज्वाइंट करना है। फिर आपको ऊन कट करके आधी पत्ती छोड़ के, यानी कि चार डबल क्रोशिया इधर से छोड़नी है, चार इधर से, जो पाँचवीं डबल क्रोशिया है हमारी वहाँ से आपको इस कलर का ऊन ज्वाइंट करना है उल्टी ही साइड से, और वी शेप का डिज़ाइन बनाते हुए लेके जाना है। फिर उसके ऊपर नौ नौ ही डबल क्रोशिया बना के लेके आना है। तो देखिए इस तरह से अब हमारी ये पत्ती आधी कम हो गई। हम ये राइट साइड है तो ऊन हमारे इस साइड से चल रहा है, तो हमें यहाँ पे ऊन कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या दोबारा ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो हमने इस साइड से ही इसको बनाना शुरू करा है। तो देखिए अब हम यहाँ पे पहले नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। देखिए नौ बनाने के बाद ये आधी पत्ती हमारी कम हो गई, यहाँ पे हमारी नौ बन गई हैं। तो अब हम इसमें इसे ज्वाइंट करेंगे। जैसे अब हम बिनते हुए आ रहे हैं सेम उसी तरह से अब हमें इसे बिनते हुए यहाँ तक कंटिन्यू करना है। इस साइड में हमें कुछ भी नहीं घटाना, जैसे ही हमारी हाफ डबल हाफ पत्ती बनती हुई जा रही है इसी तरह से हमारी ऊपर तक भी हाफ पत्ती बनती हुई जाएगी। तो देखिए नौ बार हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना ली है, अब नौ बार हम इसमें बनाएंगे, नौ बार इसमें, नौ बार इसमें, यहाँ बना के ज्वाइन करेंगे। चलिए इसे बना के फिर हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे लाके हमें किस तरह से फिर कम करनी है। अब हमारी देखिए ये हमने चार पत्ती बना ली है, आधी पत्ती इधर कम करी थी तो हमारी अब ये चार पत्ती बची हैं इसमें। अब हम यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन ऐड करेंगे, देखिए हम दूसरे कलर का ऊन ऐड करेंगे, एक सिंगल चैन बनाएंगे और इसी सेम इसी जगह पे हमें एक ये आपको हर बार बनाना है। देखिए दो तीन चार पाँच चैन को काउंट करेंगे तो हमारी पांच चैन हो गई हैं। अब हमें यहाँ पे इस तरह से आधी पत्ती बनानी है। देखिए अब हमने आधी पत्ती बनाई, अब एक दो तीन चार पाँच पांच चैने बनाएंगे और इस जगह पे एक वी शेप का डिज़ाइन और बनाएंगे जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं।
एक वी शेप का डिज़ाइन हम इस जगह पे भी बनाएंगे। देखिए इस तरह से, अब हमें जैसे हमने इस जगह पे आधी पत्ती कम करी थी, इसी तरह हमें अब यहाँ पे भी आधी पत्ती कम करनी है। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, एक दो तीन, तीन चैने बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो पांचवी वाली जो हमारी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें इस तरह से इसे स्टिच कर देनी है, जैसे हमने यहाँ स्टिच करी थी उसी तरह हमें यहाँ स्टिच करनी है। देखिए अब हमारी वी स्टिच बन गई है, पत्ती हमारी इधर कम हो गई। अब हम दूसरी साइड का आपको दिखाते हैं, आपको हम दोनों साइड से ही समझाते हुए चल रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। देखिए अब हमारी यहाँ पे आधी पत्ती यहाँ कम हो गई है, देखिए इस साइड से। तो हमने जब इस साइड पे बनाना चालू करा था, यहाँ पे जॉइंट करने के बाद जो हमने ये नीले कलर का ऊन जब जॉइंट करा है, तो हमने इसको इस जगह से जॉइंट करा था। इस जगह से जॉइंट करने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर तीन चैने बना के यहाँ भी स्टिच बनाई और यहाँ भी स्टिच बनाई, यहाँ भी स्टिच, और ये हमारी आप पत्ती तो हर बार चलती आ रही है, इसी तरह हमने इसे बनाया है। तो अब हमारे देखिए यहाँ पे हमारी आधी पत्ती ये कम हुई, आधी पत्ती ये कम हुई। तो देखिए इसी तरह आधी पत्ती हमारी यहाँ कम हुई थी, आधी यहाँ कम हुई थी और आधी अभी ये यहाँ कम हो गई। तो देखिए आधी पत्ती यहाँ पे हम बना, अब हमारी ये आधी पत्ती यहाँ कम हो गई, तो हमारी यहाँ पे पूरी ही पत्ती बनानी है। देखिए नौ, देखिए नौ में हमने डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसको इसी तरह से जैसे हम पहले बनाते हुए आ रहे हैं, सेम प्रोसेस से अब हमें इसे बनाते हुए कंप्लीट करना है। यहाँ पे अभी हमें जैसे हमने ये हाफ पत्ती बनाई, इसी तरह हमें यहाँ हाफ पत्ती बनानी है। देखिए हमने आधी पत्ती इस जगह पर घटाई, आधी इस जगह पर घटाई, तो हमारी टोटल गले में एक पत्ती घट गई है। तो अब देखिए हमारी साढ़े चार पत्ती थी, देखिए यहाँ से गिनेंगे एक दो तीन चार और आधी ये, तो साढ़े चार पत्ती थी हमारी, तो हमने ये आधी यहाँ घटाई, आधी यहाँ, तो अब हमारी टोटल साढ़े तीन पत्ती बची हैं, एक दो तीन और आधी इस जगह पे बनेगी। तो हमें ये साढ़े तीन पत्ती बना के कंप्लीट करना है, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। अब हमारी ये भी रॉ कंप्लीट हो गई है, अब हम यहाँ पर दूसरे कलर का ऊन ऐड करेंगे। एक चैन भी देंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए सिंगल क्रोशिया को ऐड करा, सॉरी यहाँ पे हमें अभी तीन चैने बनानी है, एक दो तीन, अब हमें यहाँ पे तीन चैने बनानी है और इस जगह पे एक वी शेप का डिज़ाइन बनाना है। देखिए वी शेप का डिज़ाइन हमारा एक इस जगह पे बनेगा, दो चैने, देखिए दो चैने लेने के बाद देखिए इस तरह से एक हम यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे और एक इस जगह बनाएंगे। इस जगह बनाने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमें आधी पत्ती और कैसे डिक्रीज करनी है इसमें। अब हमने एक दो तीन, तीन डिज़ाइन बना लिए हैं। अब हमें देखिए हमने जैसे पहले भी इसमें आधी पत्ती यहाँ कम करी थी, आधी यहाँ, तो अब हमें आधी इस जगह पर भी कम करनी है। तो कम करने के लिए हम जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे, एक दो तीन चैने बनाएंगे और एक दो तीन चार और पांचवी चैन में इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे, सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे,
और यहाँ पे फिर हमें 9 बार डबल क्रोशिया बनानी है, जैसे हम सब में बनाते आ रहे हैं इसी तरह से हमें 9 बनाने के बाद अब हम इसको इस वाली चैन में स्टिच कर देंगे। देखिए ये आधी पत्ती, देखिए आधी पत्ती हमारी और कम हो गई। तो अब टोटल हमारी यहाँ पे 1 2 3 तीन पत्ती बची हैं। अब इन तीन पत्तियों में से इन तीन पत्तियों को हमें पूरा बिनना है। पूरा बिनने के बाद देखिए अब हम एक ईयर वाली रो बनाएंगे, यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ ज्वाइंट करेंगे। फिर इसके ऊपर एक हाफ पत्ती और बनाएंगे, फिर एक हाफ पत्ती बनाएंगे, फिर उसके ऊपर वी शेप का डिज़ाइन बना के आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि हमें आधी पत्ती और इंक्रीज करनी है। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि हमें ऊपर मुड्ढे पर जाके इसमें 2.5 पत्ती ही बनानी है, यानी कि इतनी आधी एक एक 2.5 पत्ती ही बनानी है। देखिए इसमें भी हमने ऊपर जाके, देखिए ये 2.5 पत्ती हमने ऊपर मुड्ढे के लिए हमने छोड़ी है, तो इसी तरह से ही हमें इसमें भी अभी आधी पत्ती और इंक्रीज करना है। इसी तरह से करेंगे जैसे हम ये पहले करते आ रहे हैं, इसी तरह से हमें यहाँ पे भी आधी पत्ती और इंक्रीज करना है। तो चलिए इसमें हम 9 डबल क्रोशिया इसमें बनाते हैं। 9 डबल क्रोशिया इसमें बना के बाद ये रॉ कंप्लीट करेंगे और नीले कलर की हम वी वाली रॉ भी कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको यहाँ पे लाके दिखाते हैं। फ्रेंड्स अब हमारी यहाँ पे अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये हमारी आधी पत्ती यहाँ कम हुई, आधी पत्ती यहाँ कम हुई तो एक कम हो गई, अब एक आधी यहाँ कम हुई, आधी यहाँ हमने कम करी है। देखिए इस तरह से हमने जैसे हम जॉइंट लगा के यहाँ पे कम कर दी। तो अब हमारी यहाँ पे देखिए 1 2 और आधी है, तो 2.5 पत्ती बची है। अब हम इन 2.5 पत्तियों को बिनेंगे। अब गले में हम कुछ भी कम नहीं करेंगे। देखिए हमने यहाँ से भी शेप का डिज़ाइन बनाया, 3 बार चैन बना के यहाँ हमने स्टिच कर दी इसे। तो देखिए हमारी इस तरह से गले का शेप बन गया है। अब हम देखिए यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए हमने इसमें 4 बार फंदे घटाए, आधी पत्ती यहाँ कम करी, आधी यहाँ कम करी, आधी यहाँ और आधी यहाँ। तो 4 बार फंदे हमने कम करने के बाद अब हमारी देखिए पहले हमारी 1 2 3 4 साढ़े चार पत्ती थी शुरू में, हमने जब मुड्ढे से घटाया है तो देखिए हमने 1 2 3 4 पाँच पत्ती हमने ली हैं मुड्ढे के लिए, जिसमें से आधी हमने देखिए ये कम कर दी, तो हमारी यहाँ पे ऊपर 4.5 पत्ती बची। 4.5 पत्तियों में से देखिए आधी हमने यहाँ कम करी, तो हमारी 1 2 3 4 यानी कि हमारी 4 पत्ती बची आधी यहाँ कम करने के बाद। जब हमने यहाँ आधी कम कर दी तो 1 2 3 और आधी है, तो 3.5 पत्ती हो गई। अब हमने आधी इसमें कम करी तो 1 2 3 पत्ती बची हमारी। अब हमने देखी यहाँ पे आधी पत्ती ये कम कर दी है, जब आधी पत्ती हमने ये कम करी है तो अब हमारी यहाँ पे 1 2 और 3 यानी 2.5 आधी पत्ती यहाँ बनेंगी। 1 2 और आधी पत्ती जो ये बनती आ रही है उसी तरह यहाँ बनाएंगे, इस लूप में बनाएंगे। तो टोटल हमारी 2.5 पत्ती बची हैं जो अब हमारी ये मुड्ढे पे हमने छोड़ी हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे हमें 9 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 9 कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे।
एक चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे हम एक बी स्टिच बनाएंगे इस तरह से, दो चेने वी स्टिच, देखिए वी स्टिच बन गया हमारा, एक दो तीन चार पाँच, पांच चेने बनाएंगे। अब एक वी स्टिच यहाँ बनाएंगे, एक दो चेने बनाएंगे, एक वी स्टिच, एक डबल क्रोशे इसी में और बनाएंगे, देखिए इस तरह से तो दो हो गए हमारे। अब हम एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैने लेंगे और एक हम बनाएंगे इस जगह पे, इसकी सिंगल क्रोशिया में आधी पत्ती जो हमारी बनेगी तो इस जगह बनेगी। अगर हम यहाँ से देखिए, अगर हम एक दो यहाँ पे भी स्टिच बना के यहाँ पे जॉइंट कर देते हैं तो हमारी एक पत्ती आधी पत्ती और कम हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे ढाई पत्ती रखनी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से बिनना है। गला घटाने के बाद एक हमने डिज़ाइन यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, तो यहाँ पे बनाने के बाद हम यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे, हम आधी पत्ती इस जगह पे बनाएंगे, देखिए इस तरह से दो और इसी में एक बार और डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से, देखिए ये गले का राउंड हमारा बन गया है। तो अब हमें यहाँ पे ऊपर ढाई पत्ती ही रखनी है। तो आप गले का घटाने के बाद जब ये वाली रॉ बनाएंगी तो यहाँ पे भी स्टिच बनाने के बाद आप इस जगह पे इसे जॉइंट नहीं करेंगी। अगर इस जगह पे जॉइंट करेंगे हम तो ये आधी पत्ती और हमारी कम हो जाएगी, तो हमारी यहाँ पे टोटल दो पत्ती बचेंगी। तो आधी पत्ती हमें इसको इस जगह पे बनानी है, तो हमारे पास ढाई पत्ती हो जाएगी, देखिए इस तरह से हम अब बनाएंगे इसमें एक दो तीन चैने बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब देखिए इसी लूप में एक दो तीन चार, देखिए चैन को काउंट करा तो हमारी पांच हो गई। तो ये आधी पत्ती हमारी हो गई है। अब हम इसको इसमें जॉइंट करेंगे इस तरह से, देखिए ये हमारे इस तरह से गले का शेप आएगा बनके, तो हमारी बनके रेडी हो गई है। अब इसी तरह हम ढाई पत्ती इस कलर की भी बनाएंगे, चैन बनाएंगे, सोन को खींचेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। तो यहाँ पे जो हम जैसे हम नीचे ही बनाते आ रहे हैं आधी पत्ती, इसी तरह ही बनाएंगे दो तीन चार के पाँच, देखिए इस तरह से, देखिए आधी पत्ती के लिए एक बी शेप का लुक ये बन गया हमारा लुक। देखिए ये आधी पत्ती अब हमारी यहाँ बनेगी, फिर एक पत्ती हमारी यहाँ बनेगी और एक पत्ती हमारी यहाँ बनेगी, तो हमारी टोटल ढाई पत्ती ये भी बन जाएंगी। देखिए अब हम इसमें एक वी शेप यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। तो चलिए इस रो को हम कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं।
तो आप इसमें एक दो रो और बना सकती हैं, या गला छोटा लगता है तो आप एक दो रो और बना सकती हैं, लेकिन मुझे इसमें इतना ही बनाना है। तो मैं इसको यहाँ से दोनों ऊन को अब यहाँ से हम कट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। आई होप आपको ये दोनों मुड्डे बनाना समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी, और अगर मुझे बताने में कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम पीछे का बनाना बताएंगे कि पीछे का मुड्डा हमने किस तरह से घटाया और किस तरह से हमने इसमें बिनाई करी है, और इसमें गला बनाना और नीचे का बॉर्डर बनाना बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको बनाई हुई जर्सी कैसी लगी।